गुड मॉर्निंग मिथु। अच्छा, अब ये जो आपका ग्रामर का टॉपिक है, इसमें आज आपको बताया जाएगा वॉइस के बारे में। तो देखो, ये जो वॉइस है, यानी इनको हिंदी में अपने बोलते हैं वाच्य, ये जो वॉइस है इसमें इनको दो सेंटेंसों के रूप में अपने लिखते हैं। पहला होता है एक्टिव, एक्टिव वॉइस, और दूसरा होता है पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस। अब ये जो एक्टिव जो सेंटेंस होता है, उसमें क्या होता है कि किसी भी क्रिया को करने के लिए कर्ता को प्रमुखता दी जाती है। तो कहने का मतलब यानी कि जो वाक्य कर्ता प्रधान होता है वो एक्टिव सेंटेंस होता है, यानी एक्टिव सेंटेंस से, एक्टिव जो सेंटेंस होता है वो होता है कर्ता प्रधान वाक्य, कर्ता प्रधान वाक्य होता है। यानी किसी क्रिया को करने के लिए जो कर्ता होता है उसको प्रमुखता इसमें दी जाती है। अब दूसरा जो पैसिव है, पैसिव वाले में क्या किया जाता है कि पैसिव सेंटेंस में कर्ता के बजाय कर्म, यानी ऑब्जेक्ट को कर्म, ये कर्म प्रधान होता है। इसमें क्या होता है कि जो ऑब्जेक्ट होता है उसको प्रमुखता या प्रधानता दी जाती है। अब अपने को क्या करना है कि जो ये एक्टिव सेंटेंस है, इस एक्टिव सेंटेंस को पैसिव में बदलना है। तो परीक्षा में जो सेंटेंस अपने को दिया होगा वो एक एक्टिव सेंटेंस दिया होगा, और उससे एक्टिव सेंटेंस को अपने क्या करेंगे, पैसिव सेंटेंस में बदलेंगे। तो अब देखो, जैसे साधारण वाक्य से पहले अफर्मेटिव सेंटेंस से शुरुआत करते हैं कि जो एक्टिव सेंटेंस होता है, एक्टिव जो सेंटेंस होता है अफर्मेटिव में, उसका क्रम में यानी स्ट्रक्चर उसकी इस प्रकार से होती है, इस प्रकार से बनता है। ये सबसे पहले सब्जेक्ट यानी कर्ता को लिखते हैं, सब्जेक्ट के बाद में लिखी जाती है हेल्पिंग वर्ब यानी सहायक क्रिया को लिखते हैं, हेल्पिंग वर्ब के बाद में मेन वर्ब, और मेन वर्ब के बाद में लिखा जाता है ऑब्जेक्ट को, ऑब्जेक्ट के बाद जो अन्य अदर्स जो होता है वो लिखा होता है। तो इस प्रकार से ये क्या है कि एक एक्टिव सेंटेंस है उसका ये क्रम होता है। इस तरीके से पहले कर्ता को लिखते हैं, फिर हेल्पिंग वर्ब को लिखते हैं, फिर मेन वर्ब आती है, इसके बाद ऑब्जेक्ट, और फिर अदर्स लिखा जाता है। अब जब इस एक्टिव सेंटेंस को अपने पैसिव में चेंज करते हैं, यानी पैसिव में बदलते हैं, तो क्या करना होता है, पैसिव सेंटेंस में जैसे आपको बताया पहले कि जो एक्टिव सेंटेंस होता है वो तो कर्ता प्रधान होता है, तो सब्जेक्ट को पहले लिखते हैं, और पैसिव वाला होता है वो कर्म प्रधान होता है, इसलिए इसमें पहले ऑब्जेक्ट को लिखना होता है। तो यहाँ सबसे पहले अपने लिखा जाता है ऑब्जेक्ट को, ऑब्जेक्ट के बाद में जो हेल्पिंग वर्ब है वो हेल्पिंग वर्ब, मैन वर्ब की जगह मैन वर्ब, और जो ऑब्जेक्ट है इसकी जगह क्या करेंगे, बाय लगा करें सब्जेक्ट को ले आएंगे, और अदर्स है वो अपनी जगह रहेगा। इसी तरीके से कहने का मतलब यानी कि इसमें ये सिर्फ दो ही बातें, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट वाली बात है। सब्जेक्ट को तो क्या करना है, ऑब्जेक्ट के स्थान पर ले जाना है, और ऑब्जेक्ट को क्या करना है, इस सब्जेक्ट के स्थान पर लाना है। तो इस तरीके से इन दोनों की जगह बदली जाती है, यानी ये जो ऑब्जेक्ट है वो तो क्या करेंगे, इस सब्जेक्ट के स्थान पर ले आएंगे, और जो सब्जेक्ट है वो क्या करेंगे, इस ऑब्जेक्ट की जगह ले जाएंगे। तो इस तरीके से इन दोनों की जगह बदलनी है, बाकी जो वाक्य का क्रम है वो उसी तरीके से ही लिखना है जिस तरीके से एक्टिव वाला सेंटेंस लिखा हुआ है, उसी तरीके से पैसिव सेंटेंस को अपने को लिखना है। अब जब इनको सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह लिखते हैं, और ऑब्जेक्ट को जब सब्जेक्ट की जगह लिखते हैं, तो इनमें क्या करना है कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के कुछ जो नाउन होती हैं
वो तो क्या होती है कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में एक ही तरीके से लिखी जाती हैं, लेकिन कुछ प्रोनाउन ऐसे होते हैं जिनका सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट रूप होता है वो अलग अलग होता है। अब जो अलग अलग रूप वाली जो प्रोनाउन है उनको किस तरीके से बदलना होता है, देखो ये सब्जेक्ट के रूप में लिखे जाने वाली है नाउन प्रोनाउन, और ये इस तरीके से इनको ऑब्जेक्ट में लिखा जाता है। अब जैसे सिंगुलर एक वचन नाम होता है उसको प्रोनाउन में लिखेंगे तो लिखा जाता है ही सब्जेक्ट में, और इसको अगर ऑब्जेक्ट में लिखना हो तो इसको लिखा जाता है हिम। स्त्रीलिंग एक वचन नाम है उसको सब्जेक्ट में लिखना होता है तो लिखा जाता है सी, और इसको जब ऑब्जेक्ट में लिखेंगे तो इसका लिखा जाएगा हर। इसी तरीके से पुलिंग हो या स्त्रीलिंग हो अगर प्लूरल में यानी बहुवचन में है तो इसका सब्जेक्ट लिखा जाता है दे, और इसको अगर ऑब्जेक्ट में लिखें तो इसका लिखा जाएगा देन। तो इस तरीके से ये जो सब्जेक्ट हैं इनमें इसी तरीके से खुद के लिए सब्जेक्ट में अगर लिखना हो तो लिखा जाता है आई, ऑब्जेक्ट में अगर इसको लिखेंगे तो इसका आई का लिखा जाएगा मी, और सब्जेक्ट में हम सभी के लिए लिखा जाएगा सब्जेक्ट तो वी, और ऑब्जेक्ट में इसका लिखा जाएगा अस। तो इस प्रकार से ये तीन और दो पांच, ये पांच प्रोनाउन ऐसे हैं जिनके सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट रूप में वो अलग अलग हैं। बाकी जितने नाउन प्रोनाउन हैं उनको जिस तरीके से सब्जेक्ट में लिखते हैं उसी तरीके से ऑब्जेक्ट में लिखा जाता है। जैसे यू आ गया, यू लिखा है सब्जेक्ट में यू है तो ऑब्जेक्ट में भी यू लिखना है। जैसे माई फ्रेंड आ गया तो माई फ्रेंड है वो सब्जेक्ट में लिखा है, ऑब्जेक्ट में भी माई फ्रेंड ही लिखा जाएगा। जैसे कोई नाम आ गया जैसे मोहन है तो सब्जेक्ट में लिखेंगे मोहन, इसको ऑब्जेक्ट में अगर लिखना हो तो मोहन। कहने का मतलब यानी कि इन तीन और दो पांच प्रोनाउन के अलावा जो भी नाउन और प्रोनाउन है उनको सब्जेक्ट में जिस तरीके से लिखते हैं उसी तरीके से इनको ऑब्जेक्ट में लिखना है, इन पांच को ही केवल बदलना है। अब जैसे एक्टिव सेंटेंस को पैसिव में अपने बदलेंगे तो किस तरीके से इन वाक्यों को अपने को बदलना है, देखो आगे अच्छा अब सबसे पहले जैसे आपको बताया कि ऑब्जेक्ट को लिखना होता है तो ऑब्जेक्ट को लिखेंगे, पहली बात यह है कि एक्टिव वाले सेंटेंस में आपको ये पता लगाना है कि ऑब्जेक्ट कौन सा है। कोई भी किसी भी प्रकार का कोई वाक्य हो चाहे अफर्मेटिव है चाहे नेगेटिव है इंटरगेटिव है इम्पेरेटिव है, किसी भी प्रकार का कोई भी वाक्य हो जो ये मैन वर्ब होती है, मैन वर्ब के तुरंत बाद वाला जो शब्द होता है वो क्या होता है ऑब्जेक्ट होता है, और इसी ऑब्जेक्ट के आधार पर ही अपने को यानी पैसिव सेंटेंस की शुरुआत करनी होती है। यानी मैन वर्ब के बाद एक्टिव सेंटेंस में जो मैन वर्ब है उसके बाद ऑब्जेक्ट दिया होगा और इसी ऑब्जेक्ट को अपने वाक्य के शुरू में लिखेंगे पैसिव वाले के। इसके बाद इनका क्रम बदलना ही नहीं है, हेल्पिंग वर्ब किस गए हेल्पिंग वर्ब लिखनी है, मैन वर्ब किस गए मैन वर्ब लिखनी है, और ऑब्जेक्ट किस गए सब्जेक्ट को लिख देना है। तो ये ऑब्जेक्ट वाली बात हो गई स्पष्ट कि ऑब्जेक्ट कौन सा होता है, मैन वर्ब के बाद वाला जो है वो ऑब्जेक्ट होता है, और सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की जब जगह बदलते हैं तो जैसे ये बताया कि ये पांच प्रोनाउन है इनको तो इस तरीके से बदलना है सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट रूप इनके अलग है, बाकी इन पांच के अलावा जो भी हैं वो जिस तरीके से सब्जेक्ट में लिखे हुए उसी तरीके से क्या है कि इनको ऑब्जेक्ट में लिखा जाएगा, या ऑब्जेक्ट वाले हैं उनको जब सब्जेक्ट में लाएंगे तो इसी तरीके से ही इनको लिखा जाएगा। अच्छा अब देखो इन वाक्यों की शुरुआत करते हैं तो पैसिव सेंटेंस है वो किस प्रकार से बनाना है, देखो इसमें नंबर दो पर बात आती है हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब की। तो ये हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब है वो मतलब क्या है कि टेंशन के अनुसार लिखी जाएंगी। तो एक्टिव सेंटेंस को पैसिव में जो बदलते हैं तो इसमें क्या होता है कि एक्टिव वाक्य जिस टेंस का होता है पैसिव भी उसी टेंस में ही बनाया जाता है। कहने का मतलब यानी एक्टिव सेंटेंस है वो अगर प्रेजेंट टेंस में है तो पैसिव भी प्रेजेंट में ही
बनेगा। एक्टिव सेंटेंस है वो अगर पास्ट टेंस का वाक्य है तो पैसिव भी पास्ट में ही बनाना है। एक्टिव वाला अगर फ्यूचर में है तो पैसिव सेंटेंस को भी अपने को फ्यूचर में ही बदलना है। इनके केवल क्या करने हैं अपने को, सिर्फ है टेंस के जो भाग हैं, यानी प्रत्येक टेंस को अपने चार चार भागों में बांटते हैं। जैसे पहला सिंपल या इंडेफिनेट जिसको बोलते हैं, दूसरा कंटिन्यूस, तीसरा परफेक्ट, चौथा परफेक्ट कंटिन्यूस। इस तरीके से इनके भाग बदले जाएंगे। केवल टेंस है वो वही रहेगा, प्रेजेंट का प्रेजेंट रहेगा, पास्ट का पास्ट रहेगा और फ्यूचर का फ्यूचर रहेगा। लेकिन जैसे मान लो ये प्रेजेंट टेंस का वाक्य है तो प्रेजेंट सिंपल का है तो उसको प्रेजेंट कंटिन्यूस में, प्रेजेंट कंटिन्यूस वाला प्रेजेंट कंटिन्यूस में रहता है, और प्रेजेंट परफेक्ट का है तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में। कहने का मतलब यानी कि इसको एक स्टेप आगे बढ़ाकर लिखा जाता है। तो ये जो टेंस है, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब जो लिखते हैं अपने, वो इस तरीके से अपने को एक्टिव सेंटेंस वाली जो एक हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब हैं उनको इस तरीके से लिखना है। देखो अच्छा, अब देखो जैसे एक्टिव सेंटेंस है, एक्टिव सेंटेंस में जो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब है उनको पैसिव में इस प्रकार से बदलना है। नंबर एक, पहली बात देखो, यानी एक्टिव सेंटेंस है उसमें मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई है, या फिर जो वर्ब है उसके साथ में एस लगा हुआ है, वर्ब को सिंगुलर अगर बनाया गया है तो क्या करना है कि पैसिव में इजेमआर तो हेल्पिंग वर्ब लगानी है, इजेमआर में से हेल्पिंग वर्ब है और जो मेन वर्ब है उसकी लिखनी है थर्ड फॉर्म। अब देखो जैसे एक्टिव सेंटेंस है, ये मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब के साथ एस कौन से वाक्य आते हैं, प्रेजेंट सिंपल के अफर्मेटिव जो सेंटेंस होते हैं, प्रेजेंट सिंपल के अफर्मेटिव सेंटेंसों में हेल्पिंग वर्ब नहीं आती है, उसमें सीधी मेन वर्ब आती है। तो अगर सब्जेक्ट सिंगुलर ये बहुवचन में है तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, और अगर सब्जेक्ट वो सिंगुलर है तो क्या हो जाएगा कि वर्ब को भी सिंगुलर बनाएंगे, इसलिए उसके साथ में एस लगा होगा अंत में। अब इसको जब पैसिव में लिखेंगे तो इसको क्या करना है कि इजेमआर तो सही क्रिया लगानी है, और जो ये मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है इसको क्या कर देना है, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म में बदल देना है। इसके बाद अगर प्रेजेंट सिंपल का वाक्य है तो वो अगर जैसे नेगेटिव या इंटरोगेटिव सेंटेंस है तो उसमें क्या आएगा, डू डज आएगा, और डू डज के साथ नोट लगा होगा और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, ये लिखा होगा। तो क्या करना है कि प्रेजेंट सिंपल को प्रेजेंट कंटिन्यूस में बदलना बताया है, तो ये क्या है, डू डज को चेंज कर देंगे इजेमआर में, इजे एम या आर, और नेगेटिव है तो नोट, और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, इस तरीके से हो जाएगा। इसके बाद नंबर दो, यही अगर इजेमआर पहले से लिखा हुआ है, कहने का मतलब यानी जो सेंटेंस है एक्टिव सेंटेंस है वो प्रेजेंट सिंपल का है, तो क्या है कि उसमें इजेमआर हेल्पिंग वर्ब लिखी हुई मिलेगी और जो मेन वर्ब है उसके साथ आईएनजी लिखी हुई मिलेगी। अब इस सेंटेंस को जब पैसिव में बनाएंगे तो क्या करना है, पैसिव में बनाने के लिए ये जो इजेमआर है वो इजेमआर का इजेमआर रहेगा। कहने का मतलब जो हेल्पिंग वर्ब जो यहाँ लिखी है ना एक्टिव वर्ड में, वही हेल्पिंग वर्ब है वो पैसिव में लगेगी। हाँ, इतना जरूर हो जाएगा कि जैसे मान लो एक्टिव वाले में सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है तो इस सही क्रिया लिखी हुई होगी, सब्जेक्ट है वो प्लूरल है तो आर लिखी हुई मिलेगी, और सब्जेक्ट है वो आई है तो एम लिखा हुआ मिलेगा। तो अब इसमें जैसे सब्जेक्ट किस गए ऑब्जेक्ट को लाएंगे पैसिव वाले में, तो सब्जेक्ट है वो अगर ऑब्जेक्ट है वो अगर सिंगुलर है तो इज लगा दो, आई के रूप में आया है तो एम लगा दो, और अगर प्लूरल में आया है तो आर लग जाएगा। अब ये जो मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म यहाँ आई है इजेमआर के बाद एक्टिव वाले सेंटेंस में, पैसिव वाले में क्या करना है कि ये आईएनजी हटा देना है और यहाँ इसकी जगह बीइंग शब्द लगा देना है, बी ई आई एन जी बीइंग, और जो ये मेन वर्ब है इसकी फॉर्म बना देनी है फिर थर्ड, इस तरीके से हो जाएगा। इसके बाद देखो नंबर तीन, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट का अगर वाक्य है तो उसमें क्या है, हेल्पिंग वर्ब लिखी हुई मिलेगी हैज हैव, और हैज हैव के साथ क्या होगा,
मेन वर्ब की आएगी थर्ड फॉर्म। पैसिव में जब बनाएंगे तो क्या होगा कि हैज हैव इसके साथ बीन शब्द और जोड़ देना है, बी डब्ल्यू एन बीन, और जो मेन वर्ब है उसकी कर देनी है फिर थर्ड फॉर्म। इसका जो चौथा भाग है यानी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, उसका पैसिव सेंटेंस है वो नहीं बनाया जाएगा। इसके बाद में देखो ये प्रेजेंट के बाद में बात आती है पास्ट टेंस की, तो पास्ट टेंस वाले में इस तरीके से करना है, जो बात प्रेजेंट वाले में है वही बात है उसी तरीके से ही पास्ट वाले को चेंज करना है। नंबर चार, यानी पास्ट सिंपल का अगर वाक्य है तो उसमें क्या होगा कि मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म लिखी हुई नहीं, कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं होगी, यानी प्रेजेंट सिंपल के पास्ट सिंपल के अफर्मेटिव सेंटेंसों में हेल्पिंग वर्ब नहीं लगती है, केवल मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। तो क्या करना है कि पैसिव जब इसका बनाएंगे तो इसमें वाज वर्ब तो हेल्पिंग वर्ब को लिखेंगे और जो मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म है इसको थर्ड में चेंज कर देंगे। फिर इसके बाद में जैसे इसका नेगेटिव या इंटरोगेटिव सेंटेंस है तो इसमें क्या होगा, डिड हेल्पिंग वर्ब लगी हुई मिलेगी और डिड के साथ मेन वर्ब की आती है फर्स्ट फॉर्म। तो क्या करना है कि डिड को चेंज कर देना है वाज वर्ब में, वाज या वर यानी सब्जेक्ट है, यहाँ जैसे ऑब्जेक्ट वाले ऑब्जेक्ट के अनुसार लिखेंगे जो पैसिव वाली बात है वो, तो इसमें अगर ऑब्जेक्ट है वो सिंगुलर है तो वाज लिखो, और ऑब्जेक्ट है वो प्लूरल के रूप में है तो वर लिख दो, और जो ये मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है इसको चेंज कर देना है थर्ड में। इसके बाद नंबर पांच, पास्ट कंटिन्यूस यानी कि इसमें हेल्पिंग वर्ब लिखी हुई मिलेगी वाज वर्ब, और एक्टिव सेंटेंसों में वाज वर्ब के साथ आईएनजी लगती है तो मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म लिखी हुई मिलेगी। अब अपने को क्या करना है, पैसिव बनाते समय ये जो वाजवर है वाजवर का वाजवर ही लिखना है, यानी इसमें सिंगुलर और प्लूरल के अनुसार देखना है कि सिंगुलर है ऑब्जेक्ट तो वाज, और अगर ये प्लूरल में है तो वर्ब, ये सब्जेक्ट के अनुसार आएंगी सही क्रिया और ये ऑब्जेक्ट के अनुसार लिखी जाएंगी। तो इसमें फिर जो आईएनजी है इस आईएनजी को तो हटा देना है और बींग लगा देना है, और जो ये मेन वर्ब है इसकी लिखनी है थर्ड। इसके बाद में पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट वाले में क्या है हेल्पिंग वर्ब लिखी आएगी हेड, और हेड के साथ मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। तो पैसिव वाले में क्या करना है कि यानी इसमें हेड के साथ बीन शब्द और जोड़ देना है, हेड बीन, और जो मेन वर्ब है उसकी बना देनी है थर्ड फॉर्म। इसका चौथा भाग है यानी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस वो चेंज नहीं होगा। इसके बाद में देखो फ्यूचर वाले में, तो फ्यूचर वाले में क्या है कि फ्यूचर के सभी टेंसों में हेल्पिंग वर्ब के रूप में आती है सेल विल सह क्रिया, सेल विल आती है तो आपको क्या करना है कि सेल विल जो आती है उसके साथ किस तरीके से करना है, जैसे फ्यूचर सिंपल इंडेफिनेट का वाक्य है तो उसमें क्या करना है कि सेल और विल, सेल विल के साथ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। पैसिव में क्या करेंगे कि जो हेल्पिंग वर्ब आई है सेल विल, इसका सेल विल का सेल विल ही लिखेंगे और इसके साथ बी लगाकर मेन वर्ब की बना देंगे इसको थर्ड फॉर्म। आई और वी अगर सब्जेक्ट है तो सेल, बाकी सभी के साथ में विल, ये एक्टिव में, और पैसिव में इसी तरीके से ऑब्जेक्ट को देख लेना है उसके अनुसार सेल और विल लग जाएंगे, और सेल और विल के साथ बी लगा करें जो ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है एक्टिव वाली उसको पैसिव में थर्ड फॉर्म में बदल देना है। इसके बाद में जो फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस के वाक्य हैं वो चेंज नहीं होंगे, यानी फ्यूचर कंटिन्यूस वाले जो एक्टिव के वाक्य वो पैसिव में नहीं बनेंगे। तो इसका मतलब है नंबर आठ पर लिखो फ्यूचर परफेक्ट, तो फ्यूचर परफेक्ट में क्या होगा कि सेल विल सही क्रिया आएगी एक्टिव में, सेल या विल हेल्पिंग वर्ब, और इसके साथ में लिखा होगा हैव,
और जो मेन वर्ब है उसकी आएगी थर्ड फॉर्म। तो पैसिव में फिर क्या करना होगा, पैसिव में शैल विल का शैल विल, हैव का हैव, और इसे हैव के साथ बीन शब्द जोड़ देना है बीन, और जो मेन वर्ब है उसकी लिखनी है फिर अपने को थर्ड फॉर्म। इस तरीके से ये चेंज हो जाएगा। इसके बाद में चौथा भाग है इसका, वो भी अन्य टेंसों की तरह इसका भी चेंज नहीं होगा। अब अगर किसी सेंटेंस में कोई मॉडल अगर लिखी आती है तो एक्टिव सेंटेंस में जो मॉडल लिखी होगी, कोई भी मॉडल आए उसके साथ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है एक्टिव सेंटेंसों में। अब पैसिव जब बनाएंगे तो क्या करना है कि अपने को मॉडल वही लिखनी है जो लिखी हुई है। मॉडल जैसे यानी जैसे कैन लिखा है तो कैन का कैन लिखना है, कुड लिखा है तो कुड का कुड लिखना है, विल लिखा है तो विल का विल लिखना है, वुड लिखा है तो वुड का वुड लिखना है, मस्ट लिखा है तो मस्ट का मस्ट लिखना है। कहने का जो मॉडल आई है वो सेम मॉडल लिखनी है, तो मॉडल की तो मॉडल लिखनी है और मॉडल के साथ बी जोड़ देना है। जैसे सेल विल है ना, ये बात बताइए, इसी तरीके से ही सेम यही बात है, मॉडल के साथ बी लिखो और जो मॉडल के साथ एक्टिव में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है उसको थर्ड में चेंज कर दो। तो इस तरीके से ये इसके टेंस हैं, पैसिव में वो चेंज कर देने हैं। तो इनमें देखो ऊपर जो बात आपको बताई है टेंस से संबंधित, इसमें दो बातें मुख्य हैं, यानी इनका जैसे आप टेंस के अनुसार इसको देखेंगे तो दो बातें आपके सामने आएंगी। पहली बात क्या है कि नंबर एक, नंबर एक ध्यान देने वाली बातें हैं ये, नंबर एक कि जो पैसिव सेंटेंस होता है, पैसिव सेंटेंस में एक तो हेल्पिंग वर्ब है वो जरूर आती है, यानी बिना हेल्पिंग वर्ब के पैसिव सेंटेंस है वो नहीं बनता है। अब जैसे एक्टिव वाले सेंटेंसों में जैसे प्रेजेंट सिंपल का वाक्य है, एफर्मेटिव सेंटेंस है तो उसमें कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं आती, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। या पास्ट सिंपल का वाक्य है उसके एफर्मेटिव सेंटेंस में मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं लगती। लेकिन पैसिव वाले जो सेंटेंस हैं उनमें जैसे आपको बताया सभी वाक्यों में, वाक्य चाहे किसी भी टेंस का है, किसी भी प्रकार का कोई भी वाक्य चाहे, उसमें क्या है कि एक तो हेल्पिंग वर्ब जरूर आएगी, पहली बात तो ये। नंबर दो, पैसिव वाला जो सेंटेंस जब हम अपने बनाएंगे तो इसमें क्या होगा कि पैसिव जो सेंटेंस होते हैं, पैसिव सेंटेंसों में जो मेन वर्ब है मुख्य क्रिया उसकी थर्ड फॉर्म ही आती है, इसके अलावा कोई भी फॉर्म नहीं लिखेंगे, न तो फर्स्ट लिखेंगे, न एस ई एस वाले लिखेंगे, न सेकंड लिखेंगे, न आई एन जी वाले लिखेंगे, केवल क्या करना है कि मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लिखनी है। तो इस तरीके से यानी ये टेंसों का काम है वो आपको ध्यान में रखना है। अच्छा दूसरे सुबह ये रूपी पर पूछ पूछ ले, चलो देख लीजिए जी।